राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा सुना रहे हैं। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। कुंती पुत्र श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है, इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं श्रावण मास की पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव रखा है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम ब्राह्मण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते, ना ही नरक के दुख भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण और चार बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की बजाय तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रियसी तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में
अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। कथासार। भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं, वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने पर होती है। हर एक अच्छी कथा प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।